आज हम बात करने वाले हैं काइली जेनर के बारे में। काइली जेनर के बारे में नहीं जानते? यंगेस्ट बिलियनेयर एवर, इतनी अमीर है, मतलब $1 बिलियन का मतलब कितना हो गया, अगर इसको आप कैलकुलेट करते हो तो 7,000 करोड़ रुपए आता है, अगर मैं $70 के हिसाब से मान के चलता हूँ, और 30% इनकम टैक्स की स्लैब मान के चलते हैं तो 2100 करोड़ रुपया इनकम टैक्स पे करती है। इतना पैसा कमाते हैं लोग जितना इनकम टैक्स पे करती है, मतलब बहुत अमीर है। अब भाई इसके अंदर टैलेंट क्या है, गाना गाती है, एक्टिंग करती है, हीरो होगी कोई पे बड़ी बड़ी बॉलीवुड की, हॉलीवुड की हीरोइन होगी, क्या करती है भाई, कुछ तो टैलेंट हो, पेंटर, सिनेमेटोग्राफर भाई, कंप्यूटर कोडर, खुद की कुछ अच्छा सा कुछ टेक स्टार्टअप होगी, ओला उबर की मालिकिन तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है भाई। इसके पास शक्ति है परिवार की शक्ति, ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जिनके पास बहुत पैसा है और इनकी माँ के पास बहुत सारा दिमाग है। अब मैं इनके फैमिली ट्री के अंदर नहीं घुसूंगा, मैं दिखा देता हूँ सामने, समझ जाओ बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब अगर आपने इसको याद कर लिया तो आप कैट के एग्जाम क्लियर कर सकते हो, मतलब बहुत ही टफ है इनका फैमिली ट्री, कि कौन किसका है, उसके डिवोर्स हो गया, किसी से शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, पता नहीं क्या क्या है, वो जाके आप फोटो देख लो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ क्या है। अब इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ है, ये बनी कैसे इतनी बड़ी। 1997 के अंदर ये पैदा हुई, गूगल आने वाला था, इंटरनेट आ चुका था थोड़ा थोड़ा, इतनी चीज़ें पॉपुलर नहीं हुई थी। इसकी मम्मी है भाई क्रिस जेनर और इसके पापा है ब्रूस जेनर। ब्रूस कौन है भाई, ब्रूस वो ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट थे वो किसी चीज़ के अंदर, उसके बाद ये ब्रूस जो थे ये लड़की बन गए और इनका नाम चेंज हो गया, मतलब वही बता रहा हूँ, इनका फैमिली ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स है। बेसिकली ये अमेरिका की बहुत ही पॉपुलर फैमिली से बिलोंग करती है। उसके बाद इन्होंने एक शो निकाला इनकी फैमिली ने, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर देसी वर्जन नहीं आया था खान सिस्टर वाला, वैसे ही कार्डशियंस का खुद का शो आया जहाँ पे इनकी पूरी फैमिली होती थी और वो आपस में बात करते थे और देखते थे कि इनकी फैमिली कैसे जी रही है, कैसे रह रही है, कैसी बातें कर रही है, सबके सब बस यही बातें चलती रहती थी। हम देख रहे जैसे बिग बॉस में लोग देखते हैं ना, बिग बॉस में तो पंगे होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, यहाँ पे दिखाते थे कि भाई हम कितने फेमस हैं, बस ये पूरा शो उसके ऊपर था। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्रिटिसिज्म आया पर ये चीज़ चलती रही, लोगों को पता लग गया भाई ये है कौन। उस टाइम ये 9 साल की थी और अगर मैं डबल कर दूं 18 साल तक आते आते ये सोशल मीडिया की बहुत बड़ी स्टार बन चुकी थी, सेलिब्रिटी बन चुकी थी। अगर इंस्टाग्राम पे जाके आप इनके फॉलोअर देखोगे तो हिल जाओगे भाई, कितने सारे फॉलोअर्स हैं, शायद टॉप 10 मोस्ट फॉलोड इंस्टाग्राम चैनल्स में से उनका चैनल है, मतलब इतना ज़्यादा। अब लोग कई लोग बोलते हैं कि भाई इसके अंदर ये कुछ और टाइप की फोटोज़ दिखाती है जिस चक्कर में लोग इसको फॉलो करते हैं, पर उसके पीछे एक, मेरे को पर्सनल लगता है इसके पीछे एक बिजनेस वूमन भी है। अब मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कार्डशियंस फैमिली का जो शो आया था उसके अंदर उसको क्रिटिसाइज किया गया था ब्रेनलेसनेस के लिए, वहाँ पे कोई इंटेलेक्चुअल बातें नहीं होती थी, वहाँ पे वेली बातें, ओ मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, मैं ये करने के लिए जा रही हूँ, मैंने भी नहीं देखा है, मैंने रिसर्च करी थी तब पता लगा था, मैं ऐसे वेली चीज़ें नहीं देखता, तो वहाँ पे इसी चीज़ के ऊपर होता था, मतलब उसको क्रिटिसाइज किया गया फेमस ऑफ बीइंग फेमस, समझ जाना इंग्लिश वर्ड है, तो इस तरीके से उसको क्रिटिसाइज किया गया। उसके बाद ये सोशल मीडिया आ चुका था, सोशल मीडिया वायरल हो चुका था और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपनी प्लास्टिक सर्जरी वर्जरी कराई, कराने के बाद खूबसूरत बन गई, उसके बाद इंस्टाग्राम पे फोटोज आई, लोग फॉलो करने लग गए, लोग पागल हो गए भाई कितनी अच्छी दिखती है, कितनी अच्छी दिखती है। दलजीत भी उसको शायद फॉलो करता है, दलजीत भी उसके पीछे पागल है। अब थोड़ा सा करियर के बारे में बता दूं किस तरीके से ये बिजनेस मूवमेंट, में बात कर रहा हूं कि बिजनेस मूवमेंट बनी, ये फैमिली वाले के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हुई। अब पॉपुलर तो थी ये, उसके बाद कुछ टाइम के बाद इसको टीवी कमर्शियल मिल गया, टीवी कमर्शियल में इसने काम किया, वहाँ पे मॉडल बन गई, मतलब मॉडल अगर आप अच्छे दिखोगे, अगर आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करोगे तो आप अच्छे दिखोगे, क्योंकि आपके पास अच्छा कपड़ा होगा, अच्छा मेकअप होगा, सब कुछ होगा, तो आप अच्छे मॉडल बन सकते हो और आप मेंटेन भी रह सकते हो। अब काइली और इसकी जो दूसरी बहन है, जो रियल बहन है कैंडल, उन दोनों ने मिलकर एक 3D शो होस्ट किया ग्ली नाम का, तो वहाँ पे भी इन्होंने कुछ किया, वहाँ पे भी इनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। बेसिकली इनकी जो पूरी की पूरी लाइफ रही ना वो बहुत क्रिटिसिज्म के साथ रही, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया पर फिर भी वो कहते हैं ना डर के आगे हक्कर हर मैदान फतेह, वो वाला सीन रहा। 2012 के अंदर भाई हंगर गेम्स की जो कास्ट थी, हंगर गेम्स मूवी है उसकी कास्ट को इन्होंने इंटरव्यू लिया, वो भी बहुत बड़ी चीज़ थी उस ज़माने के अंदर। अभी ये लड़की ज़्यादा बड़ी नहीं हुई थी, अभी ये बहुत छोटी थी उस टाइम भी, ये इस टाइप की चीज़ें कर रही थी। 2011 के अंदर कैंडल के साथ में इसने एक और प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करने के लिए, नेल पॉलिश को, तो नेल पॉलिश की इंडस्ट्री के अंदर उतर चुकी थी। काइली को अगर माना जाता है जिससे उसने मेन पैसा कमाया, काइली जेनर ने, वो कमाया काइली कॉस्मेटिक से, अपना कॉस्मेटिक लाइनअप से, तो स्टार्टिंग में इसने स्पॉन्सर करना शुरू किया प्रोडक्ट्स को, वहाँ से इसको थोड़ा नो हाउ पता लगा प्रोडक्ट के बारे में, चीज़ है क्या क्या नहीं है। फिर दोनों बहनों ने भाई कैंडल और काइली करके अपना कपड़े भी निकाल दिए और ज्वेलरी लाइनअप भी निकाल दी, मतलब सब कुछ करना है। अब मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, अगर आप एक बार फेमस हो गए ना तो आप कुछ भी कर सकते हो,
एक बार आप फेमस हो जाओ उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट निकालो, आपको मार्केटिंग करनी बहुत आसान हो जाती है। इसलिए काइली जेनर को कहा जाता है कि ये सोशल मीडिया बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है, बहुत अच्छे तरीके से सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर पाती है। अब कई लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कई लोग इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। बात क्या है, देश के अंदर वही चीज़ें बिकती है। ज़्यादातर लोग अगर आप चेक करो, कोई इंटेलेक्चुअल टॉपिक होगा उसके ऊपर व्यूज़ आपको वीडियो कम दिखेंगे, और कोई होगा काली काली दो अखियाँ, लोग पागल हो जाएंगे उसके पीछे। उसके व्यूज़ देखना, लोग शेयर कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई, लॉजिकली सोचो। क्योंकि लोगों को वो चाहिए, लोगों की साइकी वो है। अब लोगों को वो चाहिए, वो चीज़ डिलीवर कर रही है। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग का मतलब है हमको एक कस्टमर को वो चीज़ प्रोवाइड कर रही है जो कि उसको चाहिए। मैं आके इंटेलेक्चुअल बातें करने लग जाऊँ, भाई फंडिंग यहाँ से मिली, ये हुआ, लोगों को नहीं चाहिए, सिर में दर्द होती है। काली काली दो आंखियां देख के भाई 10-15 वीडियोस बकवास दे सकते हैं, बहुत हार्ड सब चलता है, ऑडियंस ऐसी है। तो मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं करता इस चीज को। मैं मानता हूँ कि भाई वो अच्छे तरीके से मार्केट कर पा रही, तो मैं उसको तो भाई सोशल मीडिया का मार्केटिंग गुरु मानता हूँ। मेरे हिसाब से पूरा का पूरा बिजनेस तैयार किया है, जो बनी है ना इतनी बड़ी बिलियनेयर इतनी कम उम्र के अंदर, ये सोशल मीडिया की वजह से हो पाया, फैमिली की वजह से भी हो पाया, वो बताऊंगा। इन्होंने अपने भाई जूते भी निकाल दिए, जूते के साथ साथ अब इसको थोड़ी पॉपुलर हो चुकी थी, फेस नोन था, बाकी सब चीज़ें ठीक थी, पैसा भी था, तो आपकी बॉडी शॉडी सब कुछ ठीक रहती है। तो उस चक्कर में इसको म्यूज़िक वीडियोस भी मिलने लग गई, इसने बहुत सारी म्यूज़िक वीडियोस में भी काम किया। अब म्यूज़िक वीडियो के अंदर हम यहाँ पे इंडिया के अंदर एक्टिंग देखते हैं ना, क्या एक्टिंग है, क्या एक्टिंग है, वहाँ पे तो भाई कुछ और देखा जाता है, और वो चीज़ चलती है। अब वो चीज़ करी और चल गई। अब 2014 के अंदर भाई एक अंत लेवल चीज़ हो गई, जो कि एकदम ही अलग चीज़ थी, साइंस फिक्शन नॉवल निकाल दिया दोनों बहनों ने मिलकर। अब रेपुटेशन तो ख़राब थी ना पूरी की पूरी फैमिली की, पूरी रेपुटेशन क्या थी उनकी कि भाई ब्रेनलेस लोग हैं, मेकअप के ऊपर ध्यान देते हैं, लुक्स के ऊपर ध्यान देते हैं, उस टाइप की ऑडियंस थी। अब साइंस फिक्शन निकाल दी तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ, रिसर्च हुई, पता लगा, और क्रिटिसाइज किया गया। अगेन इन्होंने गोस्ट राइटर रखा है, इनके दिमाग इतना तेज नहीं चल सकता, इन्होंने गोस्ट राइटर रखा है, उसके थ्रू किया। तो क्या हो गया, चीज़ें बिकी ना, कंटेंट कहीं और से उठा के भी मार्केट इन्होंने किया ना, बस वो हुआ। तो 2014 के अंदर भाई काइली ने सोचा कि अब मैं थोड़ा सा अलग करूंगी, अपनी बहन के साथ नहीं, बहन के साथ साथ नहीं चलना, अपना खुद का काम शुरू करना है। तो काइली ने क्या किया, काइली ने एक पीआर एजेंसी को हायर किया, उसकी माँ ने हायर किया, ऐसा बोला जाता है काइली ने किया पर उसकी माँ ने हायर किया होगा, उसकी माँ ने एक पीआर एजेंसी को हायर किया जिसका नाम था सीड ब्यूटी करके, और उसने काइली को ब्रांड बनाने का वादा किया कि हम आपको बहुत बड़ा ब्रांड बनाएंगे। तो ऐसा कुछ चलता रहा। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है। तो स्टोरी कहाँ से बनी कि बचपन से ही काइली अपने लिप से इनसिक्योर थी, तो इस चक्कर में काइली ने एक लाइनअप निकाल दी जो कि उसके लिप्स के ऊपर थी। तो सबसे पहले लिप्स लाइनअप निकाली, लिपस्टिक वाली लाइनअप निकाली, तो उस ब्रांड को नेम किया गया, खुद तो माल नहीं बना रहे थे, खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे थे, थर्ड पार्टी करा रहे थे, तो उस ब्रांड को नाम किया गया काइली लिप किट। अब ये जो भी फंड किया गया, $2,50,000 लगा, खुद डाला इसने, 15,000 लिपस्टिक बनाई, खुद बनाई अपने पैसों से, इसलिए इसको कहा जाता है कि सेल्फ मेड मिलियनेयर है। अब भाई लॉजिकली अगर किसी बंदे ने इस उम्र के अंदर इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो दिमाग तो होगा, ये तो नहीं है ना बेटा इसमें इन्वेस्ट कर दो बेटा इस, हाँ बेटा मम्मी ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे को पर्सनली लगता है कि कोई बंदा इतना बेवकूफ नहीं होता कि पीआर आपको इतना बड़ा ब्रांड बना देगी। आपको लॉजिकली खुद भी स्मार्ट होना पड़ता है, तभी पीआर आपको उतना स्मार्ट बना पाती है, मुझे ऐसा लगता है। अब नाम क्या है, ढिंचैक पूजा। मेरे को पर्सनली लगता है कि ढिंचैक पूजा ऐसा तो होता है यार, आज एक गाना हिट होने के बाद आप गाना प्रॉपर तरीके से बना सकते हो, जान करके ऐसे गाने बनाते हैं क्योंकि वो चीज़ें चलती है, लोगों को शेयर लगता है, हाँ हाँ हाँ। भाई आज के टाइम पे सबको पता है सारे गाँव पाधा नीसा मशीन के अंदर बोला, उसके बाद बैठ के मैं उसको मशीन के हिसाब से पूरा का पूरा गाना बना सकता हूँ, मेरे सुर जाए ऑफ बीट जाए कंप्यूटर मुझे ऐसा गाना बना के देगा चमकोस, मजा आ जाएगा, ना सुर लगे ना कुछ लगे, पर फिर भी वो ऐसा कर रही है पैसा कमाने के बाद भी। क्यों, जो चलता है भाई वही बेचना पड़ता है आपको, तभी तो आप उसी के नाम से तो जाने जाते हो। अब जैसे ही ये प्रोडक्ट इनकी लिपस्टिक वाला लॉन्च होता है 2015 के अंदर, सेकंड्स के अंदर माल बिक जाता है, पूरी 15,000 लिपस्टिक्स। अब इसकी मम्मी वो क्या करती है, वो ई कॉमर्स वाला जो स्टोर है शॉपीफाई, जो कि मुझे पसंद नहीं है, वो शॉपीफाई के थ्रू टाइप करके अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए लगते हैं सारे के सारे, कि शॉपीफाई पे हम अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। शॉपीफाई पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, फरवरी 2016 आते आते 500,000 किट तक पहुंच जाते हैं, 500,000 किट्स बेच चुके होते हैं, मतलब जबरदस्त काम चल रहा था। अब ये मजाक नहीं चल रहा है, सारी की सारी चीज़ें किस्मत में सब लिखा होता है, तभी मिलता है, ऐसे नहीं मिलता, मेहनत भी करनी पड़ती है भाई, भगवान नंबर ले आओ नहीं आएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, पीआर कितने भी ट्यूशन टीचर लगा लो, कितने भी कुछ लगा लो, ट्यूशन टीचर मतलब पीआर एजेंसी, मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी, अल्टीमेटली रिजल्ट आपका आएगा। भाई 16 का एंड आते आते 3.7 मिलियन तक इनका रेवेन्यू शेयर आ चुका था,
18 महीने के अंदर इनका 4.2 मिलियन का रेवेन्यू शेयर हो चुका था, मतलब कमा रही थी लड़की। और फोर्ब्स ने अभी रिसेंटली इसको बिलियनियर का अवार्ड दिया कि मतलब ये यंगेस्ट बिलियनियर है 21 साल की उम्र में। मार्क जुकरबर्ग ने 23 साल के अंदर किया था, मतलब इतना अमीर है। अब देखो अगर लॉजिकली अगर हम लिस्ट में चेक करें तो ये बहुत पीछे है। यंगेस्ट तो बिलियनियर बन गई है, पर अगर हम टॉप बिलियनियर्स की लिस्ट में देखें तो ये शायद बहुत पीछे आती है, 2000वीं रैंक पे आती है। जाके चेक कर लेना कितनी रैंक पे आती है, पर बहुत पीछे आती है। पर हाइप किया जा रहा है इसको कि ये यंगेस्ट बिलियनियर है। कुछ लॉजिकली सोचते आप ये चीज़ें मार्केट कैसे हो जा रही है। यंगेस्ट बिलियनियर भाई, यंगेस्ट बिलियनियर है पर दुनिया की सबसे अमीर नहीं है ये लड़कियों में। पर लोगों के दिमाग में विजन ऐसे आ गई है बहुत अमीर लड़की है, सबसे अमीर लड़की है। सबसे अमीर लड़की नहीं है, सबसे अमीर यंगेस्ट लड़की कह सकते हैं। अब लिस्ट चेक करता आपको सारी की सारी कहानी समझ में आएगी कि कहानी है क्या। तो पीआर एजेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है इसके पीछे, वो मार्केट बहुत अच्छे तरीके से कर पा रही है इसको। अब देखो लॉजिकल बात क्या है, अपने आप को बिजनेस को बढ़ाना है, खाली लिपस्टिक बेच के तो जीना नहीं है। हम इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने काइली कॉस्मेटिक नाम की कंपनी बना ली थी। वो जो नाम था लिप्स वाला, वो लिप्स के रिलेटेड था। खाली वहाँ पे लिपस्टिक ही बेच सकते हो, लिपस्टिक के जो आईलाइन जो भी होती है चीज़ें वो सब बेच सकते हो, मतलब लिप्स के ऊपर ही हाईलाइट कर सकते हो। अब इसने कॉस्मेटिक किया तो कॉस्मेटिक के अंदर सारी इंडस्ट्री खुल गई। आप वो क्रीमें ले सकते हो, आँखों के ऊपर जो लगाते हैं वो ले सकते हो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है मुझे खुद नहीं पता, मतलब सारी की सारी चीज़ें ले सकते हो। तो कॉस्मेटिक करके इसने अपनी ब्रांड लाइनअप को बढ़ाया और इसको मार्केट किया गया। भाई क्रुएल्टी फ्री है इसमें, एनिमल के साथ कुछ अत्याचार नहीं करते, एनिमल पर टेस्ट नहीं करते, इसके अंदर अच्छे केमिकल्स मिलाए हुए हैं, ऐसा कुछ किया हुआ मार्केट नहीं, मतलब असली में ऐसा होगा ये नहीं है कि ये, क्योंकि यूएस के लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों को लेके। इंडिया में चल सकता है, आपने बोला कि मैं ये दूंगा पर आप दोगे नहीं तो चलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। भाई फेयर एंड लवली गोरा करती है, करे ना करे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई केस नहीं करने वाला, सबको पता है कुछ नहीं करता वो, टाइम पास वाली चीज़ें होती है। अभी कहानी आसान आसान नहीं चल रही थी। सबसे पहले क्या हुआ, मई 2016 के अंदर लोगों ने कंप्लेन करनी शुरू करी कि भाई इसके अंदर, मतलब लोगों ने किसी और साइट पे प्रोडक्ट देखा जो कि सस्ते में मिल रहा था, लोगों ने उस साइट से वो प्रोडक्ट ले लिया। जब उन्होंने यूज़ किया तो उनको एलर्जी वेलर्जी टाइप की हो गई, तो बहुत ज़्यादा मार्केट में बात फैली कि काइली जेनर के प्रोडक्ट नकली आने लग गए मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है। अब काइली जेनर की खुद के प्रोडक्ट की लाइनअप की काइली कॉस्मेटिक की ब्रांड इक्विटी खराब हो सकती है। उसने पॉपुलर तो थी, उसने स्नैपचैट के ऊपर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स थे, मतलब बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे स्नैपचैट के ऊपर। उसने बोल दिया कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है सिर्फ हमारी साइट पे बिकता और कहीं नहीं बिकता, खत्म बात। और उसके बाद क्या हुआ, अगली प्रॉब्लम क्या आई, अब ये जो लिपस्टिक वाला डिब्बे के अंदर कोरियर के अंदर जाता था, रास्ते के अंदर ही माल टप जाता था। जब बंदों के पास प्रोडक्ट पहुंचता था और डब्बा खोलते थे अंदर लिपस्टिक ही नहीं होती थी, वो कहता भाई ये क्या गलेश है। तो उन्होंने उस पैकिंग को भी मॉडिफाई किया, पैकिंग को मॉडिफाई करके ये किया कि एक डब्बा रखा उसके अंदर लिपस्टिक रखी। पहले क्या होता था, लिपस्टिक जाती थी, वो लिपस्टिक गायब कर ली, काम हो गया। अब डब्बे के अंदर होता, अगर सील टूटेगा तो पता लग जाएगा प्रोडक्ट गायब है, तो पैकिंग को इम्प्रूव किया। अब इसने आई शेडो निकाली और साथ में ब्रश की लाइनअप निकाली जो कि बहुत महंगी थी। फिर अगेन क्रिटिसाइज किया गया कि ये चीज़ बहुत महंगी है, बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। फिर अगेन इसने अपने सोशल मीडिया का यूज़ करके बोला कि ठीक है मेरे को पता लगी है कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगे लग रहे लोगों को, तो हम इसके प्राइस को कम करने का सोचेंगे। मतलब लोगों को पता लग रहा है कि वो उसकी बात सुन रही है। मुझे नहीं पता ये पीआर एजेंसी करा रही है या फिर वो खुद कर रही है, पर कोई बंदा इतना बेवकूफ़ नहीं होता। मेरी नज़रों में तो वो मार्केटिंग जीनियस है, मेरी नज़रों में तो। अब आपकी नज़रों में क्या है नीचे कमेंट में बता देना, मुझे भी बता देना ताकि मैं भी समझ पाऊँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अब इसने कंसीलर लाइनअप निकाली, कंसीलर होता है कुछ मुंह पे लगाने वाला, ठीक है। इसने कंसीलर लाइनअप निकाली और उसके ऊपर इसको क्रिटिसाइज किया गया कि रिहाना की कंपीट में कर रही है, रिहाना जैसी कर रही है। पर इसने स्ट्रेटेजिकली अलग अलग टाइप के शेड्स निकाले थे, बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के शेड्स निकाले थे जो कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी थी, उसको एनकैच करने की कोशिश करी। साथ के साथ क्या हुआ, काइली जेनर का जो मेकअप वाला था उसके अंदर रेडिश स्टोन आती थी, उनके अंदर लिखा हुआ था बाकायदा कि इससे आपको रेडिश स्टोन आएगी। अब लॉजिकल बात है ना, रेडिश स्टोन वाला सीन, पर इससे आप भेदभाव कर रहे हो। जो गोरे लोग हैं उस पर तो रेडिश स्टोन दिखेगी, पर अगर किसी का स्किन टोन कुछ और है तो इन्होंने इसको फिर अगेन क्रिटिसाइज किया गया कि आपने एक स्पेसिफिक स्किन टोन के लिए अपनी किट निकाली है। क्रिटिसिज्म आते रहते हैं मार्केट के अंदर, बात यह है हम उसको किस तरीके से टैकल करते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, सबसे बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने की प्रॉब्लम यह है, अगर आपने अपनी कुछ पॉपुलैरिटी गेन कर ली ना तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो आप नेचुरल हो ना वैसे आप पब्लिकली नहीं घूम सकते। अगर आप YouTube के सब्सक्राइबर आपके ज़्यादा है, आप रोड पर जब घूमोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी इंसिडेंट हुआ था मेरा भाई वाला एग्जाम्पल, अगर YouTube चैनल ना होता शायद मैं पेल देता उसको, कुछ भी हो सकता था। पर क्या है, अब आपको दब के रहना होता है, आपको देखना होता है दुनिया सोचेगी क्या,
हमको फर्क नहीं पड़ता दुनिया सोचने का, पर फिर भी आपको सोचना पड़ता है क्योंकि आपकी पीआर है, आपकी वो पब्लिक रिलेशनशिप खराब हो सकती है, लोग नेगेटिव सोच सकते हैं आपके बारे में, बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि लोगों के दिमाग में तो वही चीज़ें बढ़ी और वही चीज़ें बिकती है, बात यह है सारी की सारी। पहली हम मैंने ऐसी कैटेगरी पकड़ रखी है जो कि बहुत ही कम है, बहुत सारे ऐसे बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, और ज़्यादातर लोग हमारे देश के अंदर वही है, प्यारी प्यारी दो अखिया, सबका दिमाग उसी चीज़ के अंदर चलता है। तो पहले ये करो, ऊपर से अगर मैंने ये चीज़ कर दी तो मैं एक नेगेटिव पीआर हो जाता जो कि मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने शांति रखी, बेटर रहता है। रोड के ऊपर नहीं घूम सकते आप इतने ज़्यादा, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, दूर से सारी चीज़ें अच्छी लगती है पर असली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। पर फेमस होने का सबसे बड़ा तरीका क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट बनाओ उसको मार्केट करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसानी से आप मार्केट कर सकते हो। तो इसलिए मैं, अगर कोई मेरा यूट्यूबर दोस्त वोस्त कुछ भी है, वैसे पर्सनली जो मुझे मिलता है मैं उसको हमेशा बोलता हूँ, अगर आपकी ऑडियंस है तो उस ऑडियंस को एनकैश करना सीखो, आप किस टाइप की ऑडियंस को केटर कर रहे हो उस ऑडियंस को समझो, उसको क्या नीड है और उसको वो नीड के ऊपर प्रोडक्ट दे दो। काइली क्या थी भाई, ब्यूटी क्वीन, बहुत सारा इस टाइप के से उसको पोर्ट्रे किया गया, बहुत अच्छी दिखती है, मेकअप किट निकाली तो आपको कहा गया कि अगर आप वो मेकअप लगाओगे वैसे बन जाओगे। भाई कुछ चीज़ें जेनेटिक्स भी होती है, कुछ चीज़ें बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से भी आती है, पर आप उसकी चीज़ लगाओगे तो हो जाओगे। इसी तरीके से अगर आपकी कुछ स्पेसिफिक ऑडियंस है तो आप उनको भी उस तरीके का प्रोडक्ट बेच सकते हो। मैं भी अपना एक प्रोडक्ट निकालने वाला हूँ जल्दी टाइम के अंदर, अनाउंसमेंट करूँगा यहाँ पे, उसी के ऊपर काम चल रहा था बहुत टाइम से। एक और भाई क्रिटिसिज्म था, ब्लश होते हैं ना, ब्लश इसने निकाले थे और उसके नाम अजीबो गरीब रखे थे, अजीबो गरीब मतलब एडल्ट टाइप्स वाले नाम रखे थे, साथ में नाम दिखा दूंगा देख लेना। तो उसने वो नाम रखे थे जिससे कर में प्रोडक्ट तो दबा के बिक रहा था, पर बात ये थी उनके पेरेंट्स इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि मेरे बच्चे इस टाइप की चीज़ रख रहे हैं, तो एक्स रिलेटेड पता नहीं क्या क्या था, यहाँ पढ़ लेना, मैं बोल नहीं सकता वो कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स। तो अब ये पूरी की पूरी जो केस स्टडी है उससे हम क्या सीख सकते हैं काइली जेनर से, पहली बात अपनी ऑडियंस अगर आप बना सकते हो तो अपनी ऑडियंस बनाओ, मार्केट में जो लोगों को चाहिए उनको वो चीज़ दो तभी आप चलोगे। अब अपना ईमान गिराना पड़ता है, मैं अगर आप ध्यान दो मैं 2-3 वीडियो से थोड़ा कॉमेडी ह्यूमर व्यूमर डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया, जेन्युइनली रियलाइज़ किया कि मेरी वीडियोस बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन का मतलब 20-20 मिनट की वीडियो एकदम हार्डकोर टॉपिक के ऊपर चल रही है, बंदा थक जाता है, दिमाग बोल जाता है। लॉजिकली देखो अगर आप मेरी 5 वीडियोस देखोगे ना दिन निकल जाएगा, मतलब हालत बुरी हो जाएगी, तो आपको 1-2 वीडियोस के बाद स्किप मार के प्यारी प्यारी दो अखियां देखना ही पड़ेगा। तो क्यों ना वो प्यारी प्यारी दो अखियां मैं अपनी वीडियो के अंदर एम्बेड कर दूं, क्योंकि मार्केट को वो चाहिए ना, जो चाहिए हमको उस चीज़ को एम्बेड करना चाहिए, तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। इसलिए मैं आपको भी ये सजेशन दे रहा हूँ कि ये अच्छा तरीका है। हेटर्स को इग्नोर करो, वो तो भाई कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, डिसलाइक भी कर दिया होगा बहुत सारे लोगों ने बिना देखे, वो तो कॉमन है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। साथ के साथ जो हेटर से अच्छा फीडबैक मिल रहा है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके वेल विशर्स होते हैं जो आपको फीडबैक देते हैं, इस चीज़ को इम्प्रूव करो, ऐसा करो वैसा करो, आपको वो फीडबैक लेना है और उसके ऊपर काम करना है। जैसे इसके साथ जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, जो जो प्रॉब्लम है सारी की सारी चीज़ों को उसने रेक्टिफाई किया, और सारी चीज़ें कर दो आउटसोर्स। आउटसोर्स मतलब अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग मत करो, क्वालिटी कंट्रोल अपने हाथ पे रखो। अगर आपके पास ऑडियंस है तो उस ऑडियंस को वो प्रोडक्ट सर्व करो जो उनको चाहिए। खुद मैन्युफैक्चरिंग, अगर मैं खुद अपना कोई प्रोडक्ट निकालता हूँ उसकी फैक्ट्री लगा लेता हूँ और उसको बेचने, मैं फैक्ट्री भी संभाल रहा हूँ, मैं बेचने के ऊपर संभाल रहा हूँ, मैं बाकी काम पे संभाल रहा हूँ, है ना, वो मैं सारी चीज़ें खराब कर दूंगा। मैंने क्या किया, मैंने एक थर्ड पार्टी बंदा पकड़ लिया जो कि मैन्युफैक्चर करके दे रहा है मेरी स्पेसिफिक क्वालिटी के ऊपर, मैंने खुद क्वालिटी चेक करके खुद मार्केट के आगे बेच दिया। अच्छी स्ट्रेटेजी, अच्छा कुछ है जो कि सीख सकते हो आप सब। यूट्यूब चैनल शुरू कर लो, फिर से बोल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबागर, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।